भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेके ले आया हूँ टाइटन स्क्रीम्स का भाई फाइनल्स, जो था भाई जय भारत यानी कि भाई साडी टीम वर्सेस इंडियन क्लैशर्स। इंडियन क्लैशर्स भाई मुंह सा फिसल गया यार, क्या हो गया, इंडियन क्लैशर्स है भाई, ठीक है। तो इंडियन क्लैशर्स जो कि भाई हमारी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है वॉर की, और भाई CWL में रैंक वन उन्होंने मारी हुई है भाई। तो बहुत मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है भाई इन लोगों की टीम, काफ़ी अच्छा खेलते हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। पर भाई इन लोगों की थोड़ी सी है किस्मत में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या भाई, ये वैसा खेलते हैं जनरली बहुत बढ़िया, सारी टीम को भाई ये धोते हुए निकलते हैं, चुपके चुपके चोरी चोरी भाई फाइनल तक पहुंच गए ये भी, और भाई हमसे ना टकराए पूरे रास्ते, एकदम भाई पतली गली पकड़ के निकल गए। लेकिन दादा कब तक बचोगे, फाइनल में तो मिलना पड़ेगा। हालांकि भाई देखो, हार हुई या जीत हुई, कम से कम भाई टकराए तो जरूर, कोशिश पूरी करी गई क्या भाई, चुपके चुपके निकल जाया जाए और मिले ही ना, पर ठीक है भाई। तो फिलहाल चलते हैं भाई वॉर की तरफ। उससे पहले आपको एक चीज और दिखाता हूँ भाई, वॉर चल रही है एक और लाइव, जय भारत वर्सेस भाई पटना पायरेट्स। और भाई जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे लाइव चल रही है UDG e-sports पे, और नए यार ये कंपनी अपने स्काई e-sport की तरह शायद धीरे धीरे बाद में अपना टूर्नामेंट वगैरह ये चालू करेगी। तो फिलहाल ये प्रमोशनल वॉर चल रही है और भाई ये भी लाइव चल रही है, कल भाई आपको UDG e-sports पे भाई आपको देखने को मिल जाएगी अगर किसी का भाई देखने का मन हो तो, ठीक है। फिलहाल चलते हैं भाई फाइनल मैच की तरफ, फाइनल मैच देख लो दादा। रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट इसका भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट ठीक है भाई हम जीत गए, टाइटन स्क्रीम्स भाई जय भारत जीत गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार बहुत आसानी से जीत गया। लेकिन भसड़ वाला काम हो गया भाई इस बार में, भसड़ क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, छोटी मोटी भसड़ नहीं दादा, लोल हो गया, लोल पे लोल हो गया इस बार के अंदर, आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले देखो अटैक दिखाएंगे आपको और सीक्वेंस वाइज बताएंगे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या उखाड़ा और क्या भसड़ हुई भाई। भसड़ सुनो, अब भसड़ सबसे पहले ये हुई कि भाई पहला अटैक हुआ पापा मोगेम्बो पे, और भाई पिछले तीन वोर से ना काली भैया काली माता या काली साया अपने ऊपर कोई चल रहा है भाई, दिक्कत हो गई है, ताबीज वाबीज बांध दिया मेरे नाम का किसी ने भाई, बेस काम ही ना कर रहे मेरे तो भाई, चाहे मैं कोई बेस लगा दूं मुझे तो हर कोई आके ठोके ठोके। हर बंदे ने ठान रखी है भाई सबको छोड़ देंगे, पापा मोगेम्बो को पीट के छोड़ेंगे, पर भाई जो आवे वो ही मार रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ भाई, अगर तुम्हारा बिगाड़ा हो भाई कोई तो कुछ ऐसा करो यार, किसी और को टारगेट कर लो, किसी और जाके पीट लो, 99% पर अटैक रोक लो यार, हर बार जाके 3 स्टार मारना जरूरी है कोई ये। पर भाई बंदे ना सुनते, बंदे हो रहे बदतमीज, बंदे कह रहे सब छोड़ देंगे या को ना छोड़े, पापा मोगेम्बो को पीटे पीटे और भाई अटैक भी करें कैड़े कैड़े, बाकी को सबको छोड़ देंगे भाई, उल्टे सीधे अटैक कर देंगे, 70% मर जाएंगे, 60 पे मर जाएंगे, जितने प्रो लेवल है ना भाई वो सारे प्रो लेवल पापा मोगेम्बो भी दिखाए जाते हैं, कोई बात ना भाई दिखा लो क्या हो गया, जो अच्छा करेगा भाई वो तो 3 स्टार मारेगा। अब इसमें भाई क्वीन चार्ज देख लो कितनी बेहतरीन बढ़िया जबरदस्त शानदार खतरनाक क्वीन चार्ज करी 11 लव 3 स्टार भाई साहब ने, और भाई जब इसकी क्वीन यहाँ तक पहुंची थी ना मतलब स्कैटर शॉट वाले कंपार्टमेंट में, यहीं भाई दिल में दुगड़ दुगड़ हो गई थी, मगर दादा ये तो 3 स्टार का झटका देवे ही देवे, यो ना छोड़े, फीलिंग आनी शुरू होगी भाई, रजिया फंस गई है गुंडन में, अब गुंडों से कोई न बचा सकता क्योंकि गुंडे हैं बहुत ज्यादा भाई। अब गुंडे कौन थे भाई यहाँ पे, गुंडे थी यहाँ पे रॉयल चैंपियन वार्डन भैया दुनिया भर के माइनर, और क्वीन के भैया एबिलिटी भी यूज ना करी, यार रेज और फ्रीज और स्वैग और प्वैग और पता ना क्या क्या भाई, सब कुछ तो बच रहा था, बस जो ना बच रहा था भाई वो यही था, वो हमारा बेस ना बचने की भाई उम्मीद ना बच रही थी, यहीं से समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि दादा आज तो ना बचता ये बेस तुम्हारा, आज तो ये पिटाई पिट है, ठीक है भाई। आया पहला अटैक करा और भाई धो के चला गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, और धो भी दिया भाई, 1% चांसेस थे शायद टाइम फेल हो सकता था, पर भाई क्वीन की एबिलिटी बची हुई थी, क्वीन ने भाई बत्तख बनाती हुई निकल गई, ठीक है भाई। अब यहां तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब भाई यहां से शुरू हुई, दिक्कत सुनो बहुत ध्यान से, दिक्कत क्या हुई यहां पर भाई, हमारा अटैक भाई स्टार्ट होना था 40 मिनट के ऊपर, पहला अटैक था हमारा 40 मिनट पे जो स्टार्ट होना था, और वो अटैक करना था भाई साजिद भाई को, क्रेटस भाई को यानी कि हमारे। अब भाई वो 41 मिनट पे FC खेल रहे हैं, सुनो बात सुनना भाई दिमाग खराब, 41 मिनट पे FC खेल रहे हैं और भाई अटैक पे FC करने चले गए, ठीक है। अब वो FC में फंस गए, 39 मिनट 50 सेकंड पे भाई वो FC से बाहर निकल गए, जबकि उन्हें अटैक करना था 40 मिनट पे, और भाई FC में उनका अटैक खराब हो गया, और आके कह रहे भाई मेरे से अटैक ना हो रहा मैं नहीं कर रहा भाई कोई बात है ये, तुमने भाई पहले कह रखा पहला अटैक भाई मैं करूंगा, और फिर तुम कह रहे भाई मेरे से ना हो रहा अटैक, मैं नहीं कर रहा अटैक, और भाई एकदम से हवड़ा तबड़ी मच गई कि भाई अटैक का सीक्वेंस भाई तैयार हो रखा था कि पहले साजिद भाई को जाना है, साजिद भाई ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए मैं तो करी ना अटैक,
ठीक है भाई, अब मेरे को अटैक इस पे जाना था भाई थर्ड नंबर पे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ अटैक। भाई मैंने तुरंत अटैक पे क्लिक कर दिया बिना प्लानिंग के, बिना सोचे। मेरे को ये था मैं थर्ड या फोर्थ जाऊंगा, आराम से प्लान करके जाऊंगा भाई। बिना प्लानिंग के भाई अटैक पे क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं दादा। और पहले ही अटैक भाई हम डिफेंस में भी 3 स्टार खा गए थे। चलो ठीक है, अब भाई हम अटैक करने आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अपनी इधर से भाई क्वीन डिप्लॉय कर दी। इधर से भाई फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया अपनी फनल बनी, सब कुछ जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से गया। और भाई बेस के निकाल, बेस का उड़ा दिया चिथड़े। एक होता है धोना, एक होता है बहुत गंदा धोना, और एक होता है भाई रगड़ रगड़ के मारना। तो इस बेस की पिटाई कर दी भाई रगड़ रगड़ के। इस पर लगा दी भाई डिटर्जेंट पाउडर, और भाई फ्रीज भी स्वैक कर दिया इस पे। हमने भाई अपने 3 स्टार का तुरंत बदला ले लिया कि दादा हम पे मारा तो भाई बदला तो हम भी लेंगे, धोएंगे तो जरूर। ठीक है भाई, तो धुलाई कर दी बहुत जोरदार तरीके से, फ्रीज व्रीज कर दी स्वैक भाई। ठीक है भाई, अब मुझे बहुत खुश हो रही है भाई, मैंने 3 स्टार मार दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 3 स्टार बराबर हो गए। भसड़ पता है क्या हुई भाई, जब मैं 3 स्टार वापस मार के आया तो अकेला बेस नहीं था जो मैं 3 स्टार मारा था। सेम टाइम पे भैया प्रीतिश भैया ने भी मेरे साथ ही अटैक शुरू कर दिया था। इधर से मैंने अटैक पे क्लिक करा, उधर से उसने अटैक पे क्लिक कर दिया, और दोनों ने ही अटैक चालू कर दिया भाई 40 मिनट पे ही, जबकि अटैक होना था सिर्फ एक। यहाँ पे हो गया भाई वॉयलेशन, वॉयलेशन ऑफ टाइम हो गया भाई, वो भी फाइनल्स के अंदर। ठीक है भाई, और प्रीतिश भी आके भैया जाके धोई आया। ठीक है भाई, अब 1 मिनट 42 सेकंड में मैंने 3 स्टार मारा था भाई, ये 1 मिनट 37 सेकंड में 3 स्टार मार के आ गया। ये मेरे से पहले मार के, मतलब ये मेरे से बाद में गया था अटैक करने, लेकिन ये मेरे से पहले चैट के अंदर मतलब अवेलेबल था। मैंने कहा यार ये तो यही है, फिर मैंने जाके देखा यार इसने मेरे से पहले अटैक भी नहीं चालू करा था भाई, ये मेरे से भी तेज जाके स्टार माराया। मतलब इसने 1 या 2 सेकंड मेरे से लेट स्टार्ट कर, जैसे ही मैंने अटैक पे क्लिक कर, इसने मेरे से 1 या 2 सेकंड अटैक पे लेट क्लिक कर दिया भाई। एक ही अटैक करना था, हमने 2 अटैक कर दिए, और दोनों अटैक भाई 3 स्टार कर दिए। कोई बात है यार ये, एक तो तुम वॉयलेशन कर रहे हो टाइम का, फिर मार भी 3 3 स्टार रहे, कोई बात है यार ये? कोई तमीज शर्म नाम की कोई चीज रखो यार अपने अंदर, ऐसा मत करो भाई। अपोनेंट क्या कहेगा भाई, फाइनल चल रहा है ये, और तुम उनके साथ मजाक सा कर रहे हो, मतलब उल्टे सीधे अटैक कर रहे हो, 3 स्टार मार रहे हो, 1.5 1.5 मिनट में 3 स्टार मार रहे हो। दिस इज नॉट राइट, प्लानिंग बनाओ भाई। क्वीन यहाँ से जाएगी, यहाँ से ये जाएगा, वो जाएगा, फलाना जाएगा, ढिमकाना जाएगा, यहाँ से मेरी आर्मी ऐसे घूमेगी, बॉल ब्रेकर यहाँ छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे लंबी चौड़ी प्लानिंग बना के अटैक करो भाई। ऐसे यार ईडीपीडी छोड़ देते हो बंदे, फिर स्पैमर कहते हैं, कहते हैं यार कोई बात है, 1.5 मिनट में 3 स्टार मार देते हो, कोई प्लानिंग नहीं कुछ नहीं, ईडी उड़ रहे भाई, यही अपना टैलेंट है। ठीक है भाई, ऐसे ही मारते हैं और ऐसे ही मारते रहेंगे भाई जीवन भर, जिससे जो होता है भाई कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी आर स्पैमर्स, ठीक है, आप यही सुनना चाहते हो भाई, हम स्पैमर हैं। और स्पैमर ऐसे स्पैमर है भाई जो लावलून वालों के, दुनिया भर के बड़े बड़े हाइब्रिड वालों के, और इनके और उनके भाई अच्छे अच्छों के पसीने छुटा देते हैं। ठीक है, खूब प्लानिंग करते हैं लोंडे के, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे भाई, हम कोई प्लानिंग नहीं करते, हम एक ही प्लानिंग करते हैं, जाएंगे और भाई तेरे को दो देंगे अभी 5 मिनट के अंदर भाई। 3 स्टार मार दे इसने भी, ठीक है भाई, अब अटैक वायलेशन हो गया भाई, टाइम का वायलेशन हो गया, इसकी वजह से भाई हम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते थे और हमारा 1 वो स्टार कट भी सकता था भाई, टेंशन शुरू हो गई यहाँ पे। तो अब भाई अपोनेंट का अटैक था भाई, अपोनेंट ने भाई 82% किया स्पार्टन्स के ऊपर, फिर भाई इन्होंने 82, 76 और 93% ये 4 अटैक करे, इनसे भाई एक भी अटैक 3 स्टार हो नहीं पाया। तो साजिद भाई ने पहले गड्ढे में कुदा के हमको, ठीक है भाई, हमें कुदा दिया गड्ढे में क्या। और भाई दो यार एक बात बताओ, हम तो तैयार ही नहीं थे ना इस चीज़ के लिए, बट चलो छोड़ो, अटैक कर दिया भाई, दोनों अटैक 3 स्टार मार दिया। अब यहाँ पे भाई क्रेटस भाई, अब ये भी भाई बिल्कुल आग बबूला हो रखे, क्या 2 वॉर में 52% मार का है पहले, फिर 62% मार का है, और भाई यहाँ पे भाई भसड़ भी क्रिएट करवा दी इनका भाई, मत्था पिनक गया भाई, लावा जैप निकाल लिया भाई तरकस में से, और भाई उल्टे सीधे स्पेल्स लेके आ गए। मैंने कहा दादा ये कौन से स्पेल लेके पहुंच गए, 7 लाइटनिंग के साथ 1 अर्थ लेके जाते हैं, ये तो भाई 5 लाइटनिंग के साथ 3 अर्थ लिया है इन्होंने भाई। ये सोच का आए थे कि इसका पूरा बेस ही हिला के रख दूंगा, छोड़ूंगा ही, सारे ही बेस को हिला दूंगा भाई, और भाई पूरा बेस हिला दिया, सीसी तोड़ दिया और तोड़ दिया भाई साथ में आर्चर टावर, और भाई आसपास की चीज़ों को दे दिया थोड़ा थोड़ा डैमेज भी। ठीक है भाई, ये कोई खास चीज़ नहीं है, खास चीज़ अब यहाँ से शुरू होगी भाई, जब ये स्टार्ट हुआ, क्या कहते हैं याकू क्या कहना है, सुसाइड वॉक, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड वॉक, हम बोलते हैं इसको भाई सुसाइड वॉक। अब यहां से भाई अपने सुसाइड वॉक चालू हो गई, हीरो की, हीरो को मरवाने का काम चालू। पर भाई हीरो को क्या बेहतरीन तरीके से डिप्लॉयमेंट किया, क्या क्वीन घूमे बाहर बाहर और किंग ले जाए भाई अंदर से जाकर टाउन हॉल की गुद्दी। भाई
भाई किंग अंदर चला गया बेस के और टाउन हॉल फोड़ दिया। पर यार ये आरसी का यूज सही नहीं हुआ मेरी नजरों में। आरसी को और अच्छे से यूज किया जा सकता था, यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं थी। पर इनका टारगेट था शायद एयर स्वीपर को उड़ा देना, उसके लिए भाई इन्होंने एयर स्वीपर उड़ा दिया। उसके बाद तो क्या था भाई, उसके बाद तो हर तरफ से लावा और लून, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ही बेस को खाली सा कर दिया गया था, मतलब बचने के लिए उसके पास जगह सी ना बची थी। उसके बाद तो बस लावा लून बचे थे भाई, लावा लून बेस में घूमते रहे, बेस को धोते रहे भाई बहुत इजीली। और भाई हमारा तीसरा अटैक था, हमारे शुरू के तीनों अटैक ना भाई लगातार 3 स्टार किए थे हमने, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंडियन क्लेसर्स को भाई स्काई स्पोर्ट का टूर्नामेंट याद आने लगा होगा, फाइनल वाला जब हमने भाई 15 स्टार मार दिए थे। भाई पुरानी यादें हमेशा ताजे हो जाती है भाई, ये इंडियन क्लेसर वाले भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दादा। भाई तुमको कुछ नहीं कह रहा भाई, सिर्फ वॉर के बारे में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना दादा, ठीक है। तो तीसरा अटैक भाई हमारा ये 3 स्टार हो गया। यहाँ तो फिर हमें जाने के लगा यार कि चलो अगर हमारा 1 स्टार भाई टाइम वॉयलेशन का काटेंगे भी तो अच्छी खासी लीड बना ली यार हमने। हमने भाई तीनों अटैक अपने 3 स्टार मारे पहले, और उनके भाई शुरू का 1 अटैक 3 स्टार हुआ था, बाकी के भाई 2 अटैक 3 स्टार हुए नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली भाई चौथा और पांचवा भी अटैक 3 स्टार नहीं हुआ। लेकिन हमारी तरफ से भाई एक अटैक बड़ा खराब हो गया था, मैं बताता हूँ आपको। 96% केआर मनीष भाई साहब का टाइम फेल हो गया था, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे, बहुत आराम से भाई ये 3 स्टार हो जाना चाहिए था, बट टाइम फेल हो गया। बहुत ही जबरदस्त अटैक करा था, इसको छोड़ते हैं भाई। इस तरीके से भाई हम जीत गए। लेकिन अभी सुनो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है भाई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक अटैक भाई यहाँ से, पटना पायरेट वर्सेज जो ये चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, जय भारत। पटना धो रहा है भाई फिलहाल, यहाँ पे 2 अटैक कर चुका है, 6 स्टार मार चुका है, दोनों ही बेस 3 स्टार मार चुका है केआर मनीष और भूषण के। पर भाई यहाँ पे हमने पहला अटैक किया था, हम सिर्फ आपको अपना पहला अटैक करके भाई दिखा के यहाँ से निकल जाएंगे। पहला अटैक किया था भाई और लाइव चल रहा था यूडीजी ई स्पोर्ट्स के ऊपर, और वहां पे भाई जाके मैंने चैट्स में जाके बता भी दिया था कि भाई पहला अटैक मैं करने वाला हूँ, 40 मिनट पे करूंगा और भाई 1 स्टार मारूंगा। चकमा देने के लिए बोला था भाई कि 1 स्टार मारूंगा, ये तो अपनी चाल थी भाई, क्योंकि हमें पता था हम 3 ही मारेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, पता थोड़ी होता, किसे पता होता 3 मारेगा। पर मेरे को भाई मतलब मूंछें खड़ी करके देखो, जब मैं मूंछें खड़ी करके अटैक करता हूँ ना जनरली, ये टोटका है मेरा, अगर मूंछें सही से खड़ी हो गई दोनों तरफ से मतलब घूम कर डब्लू बन गया तो भाई इस चीज के बढ़िया चांस है कि 3 स्टार हो जाएगा अपना। और डब्लू नहीं बनाता भाई इस बार मैंने भाई मुझे घुमानी भूल गया मैं इस अटैक से पहले, और फिर मेरे से भाई थोड़ी सी गलती भी हो गई, बट फिर भी क्योंकि एक तरफ से उठी हुई थी एक तरफ से बैठी हुई थी इसलिए भाई फिर भी 3 स्टार हो गया, ठीक है भाई। और ठीक है यार, इधर भाई हम फाइनल जीत गए। ये तो यार प्रमोशनल मैच चल रहा है, इसको लेकर हम इतना कोई खास सीरियस भी नहीं है, जीतते हारे बाढ़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भाई फाइनल जीत चुके हैं, और ठीक है भाई मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार आप सभी क्या करना, अपना ध्यान रखना, और भाई ये भी बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी आपको भाई हमारी कमेंट्री लगी और कैसे आपको भाई हमारे अटैक्स लगे।